नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस में एनालिटिकल स्कूल के बारे में। और एनालिटिकल स्कूल की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्टिन की थ्योरी के बारे में, बेंथम की थ्योरी के बारे में, फिर हम बात करेंगे केल्सन की थ्योरी के बारे में, और लास्ट में हम कवर करेंगे साल्मन की थ्योरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस को हम शुरू करने से पहले हम थोड़े से बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस की वीडियो में हमने बताया था कि हमें स्कूल्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस की क्यों जरूरत पड़ती है। इसमें हमने कुछ स्कूल्स को पढ़ा था, लाइक एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशोलॉजिकल स्कूल एट्सेट्रा। फिर हमने बात करी थी कि इन स्कूल्स के अपने अलग अलग विचारधारक हैं, अलग अलग जुरिस्ट हैं जिनके विचार लॉ को लेकर अलग अलग हैं। कुछ कहते हैं कि लॉ क्या था, कुछ कहते हैं कि लॉ क्या है, और कुछ कहते हैं कि लॉ क्या होना चाहिए। तो ऐसे ही एक स्कूल की बात करेंगे हम आज, एनालिटिकल स्कूल, जो कहता है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता पास्ट में लॉ क्या था या फ्यूचर में लॉ क्या होना चाहिए। वो कहता है कि हम बिलीव करते हैं कि प्रेजेंट में लॉ क्या है, यानी कि जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, जो बात करता है एनालाइज की, सारा कुछ एनालाइज करके कि लॉ क्या है। शुरू करते हैं एनालिटिकल स्कूल के इंट्रोडक्शन की। तो एनालिटिकल स्कूल जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि पॉजिटिव स्कूल, क्योंकि इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं, इसके जो विचारधारक हैं, वो बिलीव करते हैं पॉजिटिविटी में। वो कहते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि लॉ पास्ट में क्या था या लॉ फ्यूचर में क्या होगा, हम प्रेजेंट में हैं और हम प्रेजेंट में उसे पॉजिटिविटी से बिलीव करते हैं, इसलिए इस स्कूल को पॉजिटिव स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं कि जॉन ऑस्टिन वॉज द फाउंडर ऑफ द एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्टिनियन स्कूल। यानी कि जॉन ऑस्टिन जो था वो फाउंडर थे एनालिटिकल स्कूल के, इसलिए इस स्कूल को ऑस्टिनियन स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि आखिर इस स्कूल के फीचर्स क्या क्या हैं या इसको लाने के पर्पस क्या थे। तो इस स्कूल का जो पर्पस है, या ये कहें कि एनालिटिकल स्कूल का जो पर्पस है, वो जितने भी लॉ के प्रिंसिपल्स हैं उनको एनालाइज करना है, और एनालाइज करके उनको लोगों को बताना है कि आखिर उनके नज़रिए में, उनके एस्पेक्ट्स में लॉ क्या है। तो दोस्तों, एनालिटिकल स्कूल में अब तक हमने जाना कि इसको किन किन नामों से जाना जाता है, इसके पर्पस क्या है, या ये कहें कि इसके फीचर्स क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें कुछ इसके एक्सपोनेंट्स, या ये कहें चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द थ्योरी, जिन्होंने एनालिटिकल स्कूल्स में अपनी अलग अलग थ्योरी दी और उनके हिसाब से आखिर लॉ क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ऑस्टिन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे बेंथम, उसके बाद में हम देखेंगे केल्सन को, और लास्ट में हम कवर करेंगे सामन को। तो शुरू करते हैं जॉन ऑस्टिन के साथ में। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि ऑस्टिन जो थे एनालिटिकल स्कूल के फाउंडर थे, इसलिए इस स्कूल को ऑस्टिनियन स्कूल भी कहा जाता है। उनके नज़रिए से अगर हम लॉ को देखें तो वो लॉ को कहते थे कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरन, यानी कि लॉ जो है कुछ रूल्स हैं जो सेट किए जाते हैं पॉलिटिकल सुपीरियर, या ये कहें सॉवरन के द्वारा पॉलिटिकल इन्फीरियर के लिए। दोस्तों, सीधे शब्दों में अगर हम ऑस्टिन की थ्योरी को समझें, पॉलिटिकल सुपीरियर, या ये कहें सॉवरन, जो व्यक्ति सुपीरियर है उसके द्वारा जितनी भी कमांड दी जाती हैं या जितने भी रूल्स सेट किए जाते हैं अपने से निचले लोगों के लिए, पॉलिटिकल इन्फीरियर लोगों के लिए, वो सब लॉ है। दोस्तों, ऑस्टिन की कमांड थ्योरी को हमने और भी अच्छे से डिफाइन कर रखा है, और भी अच्छे से एलोबरेट कर रखा है, जिसमें हमने बताया है उसकी थ्योरी के बारे में, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में, और साथ के साथ उसके क्रिटिसाइज़ के बारे में। तो अगर आप चाहें तो उस थ्योरी को पढ़ने के लिए, या कहें कि उस वीडियो को देखने के लिए, आई बटन पे जो कि यहाँ ऊपर दिखाई जा रहा है उस पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि क्या आप ऑस्टिन की कमांड थ्योरी को और भी अच्छे से समझ सकें। अब हम बात करते हैं अगली थ्योरी, जेरेमी बेंथम की थ्योरी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि जेरेमी बेंथम और ऑस्टिन जो थे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। इन दोनों की थ्योरी जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बहुत मिलती जुलती है। तो ऑस्टिन की थ्योरी की तरह ही जेरेमी बेंथम की थ्योरी जो थी वो बेस्ड थी सॉवरेनिटी और कमांड के ऊपर, यानी कि इनकी थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था वो भी सॉवरेनिटी और कमांड था। पर अगर हम बात करें ऑस्टिन की सॉवरेन थ्योरी, तो वो सॉवरेन को अनलिमिटेबल और इनडिवाइजिबल पावर देती थी, यानी कि जो भी सॉवरेन ने कहा वो लॉ है,
जो भी सॉवरेन ने कमांड दी वो लॉ है, उसकी पावर जो थी अनलिमिटेड थी और अनडिवाइजिबल थी। पर अगर हम बात करें जेरेमी बेंथम की थ्योरी, या ये कहें जेरेमी बेंथम की सॉवरेन थ्योरी के बारे में, तो ये जो थ्योरी थी ये डिवाइडेड थी, और इस थ्योरी में इन्होंने पार्शियल सॉवरेनिटी की बात करी। दोस्तों इन्होंने सुपीरियर सॉवरेनिटी की बात नहीं करी, इन्होंने पार्शियल सॉवरेनिटी की बात करी, और साथ के साथ इस थ्योरी में इन्होंने लीगल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए सॉवरेन के ऊपर, यानी कि जो भी कमांड सॉवरेन के द्वारा दी जाएगी सारी की सारी कमांड बाउंडेबल नहीं है फॉलो करने के लिए, और सारी की सारी कमांड जो है वो लॉ नहीं है। यही हम समझेंगे डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्टिन थ्योरी एंड बेंथम थ्योरी। तो ऑस्टिन की जो थ्योरी थी सॉवरेनिटी को लेकर वो अनलिमिटेड थी, यानी कि उसने किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शन जो है इम्पोज नहीं कर रखे थे सॉवरेन के ऊपर। सॉवरेन ने जो कहा वो लॉ है, सॉवरेन ने जो कमांड दी वो लॉ है। वहीं अगर हम बात करें जेरेमी बेंथम की थ्योरी, तो जेरेमी बेंथम ने कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रखे थे सॉवरेनिटी के ऊपर, सॉवरेन के ऊपर, यानी कि सॉवरेन की सारी कमांड लॉ नहीं मानी जाएगी, वहाँ पर कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं। आगे पढ़ते हैं इसमें, तो बेंथम के द्वारा जो लॉ है एक असेंबलेज ऑफ साइन है। और आगे जेरेमी बेंथम कहते हैं कि उनके हिसाब से, उनके परसेप्शन में जो लॉ है वो सॉवरेन की कमांड नहीं है, वो सॉवरेन के एक्सप्रेशन और सॉवरेन के विल है। तो दोस्तों ये थी जेरेमी बेंथम की कमांड थ्योरी, जिसमें हमने जेरेमी बेंथम के कॉन्सेप्ट को समझा और ऑस्टिन की थ्योरी और जेरेमी बेंथम की थ्योरी में डिफ्रेंशिएट किया। अब हम चलते हैं केल्सन की थ्योरी की तरफ। तो दोस्तों केल्सन की जो थ्योरी है लॉ की, वो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के नाम से जानी जाती है, जिसमें वो बताते हैं कि लॉ जो है वो प्योर है, वो साइंस है, और जो बाकी अदर साइंस से बिल्कुल अलग होती है। तो दोस्तों इस थ्योरी का जो मेन एम था या ऑब्जेक्ट था, वो लॉ को बाकी अदर साइंस से, मॉरलिटी से या नेशनैलिटी से अलग करना था। वो कहता है कि लॉ जो है वो प्योर है बाकी अदर साइंस के मुकाबले। आगे इसी में केल्सन ने बताया कि लीगल थ्योरी इज़ साइंस नॉट वॉल्यूशन, यानी कि लीगल थ्योरी जो है वो साइंस है, वो इच्छा शक्ति नहीं है, यानी कि वो किसी की विल नहीं है, किसी की एक्सप्रेशन नहीं है, किसी की कमांड नहीं है, वो एक साइंस है जो बाकी अदर साइंस से बिल्कुल अलग है। इट इज़ नॉलेज ऑफ वॉट लॉ इज़ नॉट ऑफ वॉट द लॉ ऑट टू बी, यानी कि इसमें केल्सन ने बताया कि लॉ क्या है, इसकी नॉलेज है, ये बात नहीं करता कि लॉ क्या होना चाहिए। और इसी में वो आगे बताते हैं कि लॉ इज़ ए नॉर्मेटिव नॉट ए नेचुरल साइंस। उन्होंने अपनी नॉर्मेटिव थ्योरी भी दी इसमें। दोस्तों नॉर्मेटिव थ्योरी को भी हम आगे बहुत अच्छे से कवर करेंगे, उसके लिए आप चाहें तो इस आई बटन पर क्लिक करके केल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को पढ़ सकते हैं। हमने उस पर भी अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें हमने उसे बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है। तो इसमें बताते हैं कि लॉ जो है वो नॉर्मेटिव है, नेचुरल साइंस नहीं है। केल्सन ने अपनी नॉर्मेटिव थ्योरी के बारे में यहाँ पे बात की। और अगला पॉइंट अगर इसमें हम देखें तो वो कहते हैं कि लीगल थ्योरी इज़ द थ्योरी ऑफ नॉर्म्स, इट इज़ नॉट कंसर्न विद द इफेक्टिवनेस ऑफ लीगल ऑर्डर, यानी कि जो लॉ है वो नॉर्म पे डिपेंड होना चाहिए, ना कि के किसी के लीगल ऑर्डर पर। यानी कि सीधे सीधे देखा जाए तो इन्होंने ऑस्टिन की थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि जो लॉ है वो नॉर्म है, वो नॉर्मेटिव साइंस है, वो किसी का लीगल ऑर्डर या ये कहें कि कमांड नहीं है। तो दोस्तों अगर केल्सन की थ्योरी के हिसाब से बात करें तो केल्सन के हिसाब से जो लॉ है वो प्योर साइंस है जो बाकी अदर साइंस से अलग होता है, और जो लॉ है वो नॉर्म्स है, ना कि कोई लीगल ऑर्डर। अब चलते हैं लास्ट एक्सपोनेंट या ये कहें लास्ट विचारधारक सामंड की तरफ। तो सामंड के हिसाब से लॉ एज पर सामंड इज दैट इट इज़ अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। दोस्तों इसका मतलब कि सामंड के हिसाब से जो लॉ है वो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज और अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों ये तो था स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में एनालिटिकल स्कूल। इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और स्कूल के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।